नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। ये सबसे बेस्ट चैनल है उन लोगों के लिए जिन्हें मसल मास बिल्ड करके अपना वजन बढ़ाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो के लिए, क्योंकि आज मैं ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ, बल्कि आज मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ इस चैनल पे। सो बने रहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अनाउंसमेंट क्या है। शुक्रिया सारे सवाल भेजने के लिए मुझे यहाँ YouTube पे और Instagram पे। मैंने सारे सवालों को कंबाइन करके 10 सवाल बनाए हैं, जिसमें मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन उससे पहले मेरी अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपना 6 वीक्स का प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च कर रही हूँ। जी हाँ, ये एक कस्टमाइज प्रोग्राम है जो मैं अपने हर क्लाइंट के लिए उनके गोल्स को और उनके ईटिंग हैबिट्स को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए लिखूंगी। और इन 6 हफ्तों में मैं उन्हें 1-on-1 गाइड करके उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचाने में उनकी मदद करूंगी। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि 5वें सवाल के बाद मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको और बताऊंगी। ओके, तो अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल ये है कि क्या आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज किए, या फिर सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज करके। मेरा जवाब ये है कि आप बिल्कुल वेट पुट ऑन कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज किए हुए भी, लेकिन वो वेट सिर्फ फैट होगा, मसल नहीं। सो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं वो आपको मसल चाहिए या फिर फैट। देखो, वेट गेन करने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, फिर ये खाना आप चाहे कितना ही हेल्दी क्यों ना खाओ, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खा रहे हो ये फैट बन के आपकी बॉडी में जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगेगा। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सरसाइज करें, ताकि ये सारा खाना जो आप एक्स्ट्रा खाओगे ये सही ठिकाने लगे। ओके, सो अब आप बॉडी वेट एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हो, लेकिन मसल गेन करने के लिए आपको अपने मसल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, और वो स्ट्रेस डालने के लिए आपको चाहिए वेट्स। तभी मैं हमेशा अपने सब क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप वेट लिफ्टिंग करो, ताकि आप अपने मसल्स पे थोड़ा स्ट्रेस डाल सको और धीरे धीरे वेट पुट ऑन कर सको एज मसल मास। दूसरा सवाल ये है, जो कि बहुत ही कॉमन सवाल भी है, कि कौन सी एक्सरसाइज से वेट गेन होगा। ओके, सो कोई भी एक्सरसाइज वेट गेन या वेट लूज करने के लिए नहीं होती है। वो एक्सरसाइज आप कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, उससे डिसाइड होगा कि आपका वेट गेन होगा या आपका वेट लॉस होगा। उदाहरण के लिए जैसे हो गया स्क्वाट्स, अब जिसे वेट लूज करना है मैं उसे बोलूंगी कि आप बॉडी वेट स्क्वाट्स करो, 15 से 20 करो एक सेट में और 3 से 4 सेट करो। लेकिन वहीं अगर किसी को वेट गेन करना है तो मैं उसे बोलूंगी कि आप स्क्वाट्स करो, वेट्स उठा के 8 से 10 रेपिटेशंस करो एक सेट में और 3 से 4 सेट करो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों एक्सरसाइजेस वेट लॉस और वेट गेन करने वाले को बताई हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग है, ताकि उन्हें अपने अपने गोल्स तक पहुंचने में आसानी हो। तीसरा सवाल ये है कि मैं बहुत खाती हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, क्या मेरा वजन कभी नहीं बढ़ेगा। इस पे मेरा ये कहना है कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इनफ नहीं खाते। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां सब लोग यही मुझे कहते हैं कि वो बहुत खाना खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। तो मैं सबसे पहले उनसे उनका एक दिन की फूड डायरी मंगवाती हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि वो दिन में कितने बजे क्या खा रहे हैं। और जब मैं वो फूड डायरी देखती हूँ तो मैं उसको देखते ही बता सकती हूँ कि वो इनफ खाना नहीं खा रहे। जितना खाना वो खा रहे हैं उतना वो उनकी मेंटेनेंस के लिए ही इनफ नहीं है। तो आप कैसे सोचोगे कि वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगा। कोई ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है, या फिर आप सिर्फ 1-2 रोटी खा रहे हो, प्रोटीन नहीं है डाइट में, तो ऐसे वजन डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे अपनी डाइट में थोड़े थोड़े चेंजेस लाओ, ताकि आप वहां पे हेल्दी कैलोरी डेंस फूड्स खा रहे हो। जैसे आपने बनाना स्मूदी लेना शुरू कर दिया, बनाना एंड पीनट बटर स्मूदी, जो मैं आपने इस वीडियो में उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो डेफिनेटली वहां जाके देखो। उसके अलावा नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स को पीनट बटर के साथ खाओ। रोटी जहां आप 1 खा रहे हो वहां पे उसे 2 कर दो, अगर 2 खा रहे हो तो उसे 3 कर दो। सब्जी थोड़ी ज्यादा लो, और रोटी खा लेने के बाद सब्जी को वापस मत रख दो, सब्जी को चम्मच से खत्म करो।
मैंने अपने इस वीडियो में शेयर किए हैं 11 तरीके कैसे आप अपनी कैलोरीज को स्लोली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं, और मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं अपने इंडियन डाइट प्लान्स जो मैं रेगुलरली खाती हूँ, लेकिन मैंने उसकी क्वांटिटी शेयर की है ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि आपकी हर मील यानी कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कम से कम 500 कैलोरी का हो, जिससे कि आपको वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी। अब आते हैं हम अपने चौथे सवाल पे, जो कि ये है कि वर्कआउट करने से पहले और उसके बाद क्या खाना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खाली पेट बिल्कुल वर्कआउट ना करें। आपको वर्कआउट करने के लिए और स्पेशली अगर आप वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि वर्कआउट करने के कम 1 से 2 घंटे पहले आप एक अच्छा स्नैक खा लें, ताकि 2 घंटे में उसकी एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाए, तो जब आप वर्कआउट करेंगे तो वो एनर्जी आपको और पुश करने में हेल्प करेगी। अब इसके लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इसको आप पीनट बटर के साथ खा सकते हो, या फिर एक आप क्विक ब्रेड सैंडविच बना सकते हो, ब्रेड एंड सैलड के साथ बना सकते हो, या ब्रेड एंड फ्रूट सैंडविच बना सकते हो विद न्यूटेला और पीनट बटर कुछ भी डाल के उसमें। कुछ भी एक हल्का सा स्नैक आप खाएं 1 से 2 घंटे पहले वर्कआउट करने के। वर्कआउट करने के तुरंत बाद मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छा प्रोटीन शेक पिएं दूध के साथ, क्योंकि इस वक्त आपके मसल्स को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। और उसके आधे से 1 घंटे बाद आप किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट खाएं। आप बॉइल्ड स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, बॉइल्ड व्हाइट पोटैटो खा सकते हैं, थोड़ा सा पोर्शन पास्ता का खा सकते हैं। इससे जो एनर्जी आपने लूज की है वो एनर्जी आपको वापस मिलेगी, ताकि जब मसल्स आपके रिपेयर हों और उस टाइम उस रिपेयर करने में जो एनर्जी चाहिए वो मसल्स को इन कार्बोहाइड्रेट से मिलती रहे और उन्हें मसल्स को ना ब्रेक करना पड़े एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि एनर्जी सोर्स हमारा जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है। और हाँ, मैंने इस वीडियो में अपने प्री और पोस्ट वर्कआउट शेयर किए हैं, और मैंने अपना सोने से पहले मैं क्या प्रोटीन में लेती हूँ वो भी शेयर किया है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को जाके चेक करें। पांचवा सवाल ये है कि हमारे जेनेटिक्स का क्या रोल है हमारे वेट गेन या वेट लॉस में। इस पे मैं ये कहूंगी कि इसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपके पेरेंट्स पतले थे तो आप भी शायद उसी कैटेगरी में रहोगे, लेकिन अगर आपको कोई और मेडिकल इश्यू नहीं है तो मोस्टली ये पतले होने का रीजन चाहे जेनेटिक्स का हो चाहे ना जेनेटिक्स का हो, ये इसलिए होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और सैडली हम उतना खाते नहीं है, जिसकी वजह से हम पतले रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेनेटिकली भी पतले हो तो भी आप रिजल्ट्स पा सकते हो, तो भी आप वेट पुट ऑन कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। अब जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई है उन्हें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, कितनी कैलोरीज बढ़ानी चाहिए, वो मैंने अपने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसे जरूर देखें। अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पांचवें सवाल के बाद अपने प्रोग्राम के बारे में और बताऊंगी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब इस प्रोग्राम को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। इस प्रोग्राम की सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली कि आपके पास वेट्स होने चाहिए, चाहे घर में या फिर जिम में। दूसरा कि आपके पास प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि जो हम हार्ट गेनर्स होते हैं उनको ज्यादा खाने में हमेशा तकलीफ होती है, तो ये जो लिक्विड वे प्रोटीन है ये हमें मसल बिल्डिंग करने में हेल्प करेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना फुल कमिटमेंट देना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा कि आज मेरी जॉब है, आज मेरा स्कूल है, आज मैं कर नहीं सकती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक या दो बार ऐसा जरूर होता है कि आप बहुत फंस जाते हो, क्योंकि हम सबकी फैमिली है, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन हर रोज का या हर दूसरे दिन अगर आप बहानेबाजी करोगे इसका मतलब आप अपने वेट गेन के लिए सीरियस नहीं है और मेरे प्रोग्राम में आपके लिए कोई जगह नहीं है। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आप में पेशेंस चाहिए होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 हफ्तों में आपके 10 से 15 किलो वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गाइडेंस दूंगी ताकि आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको एजुकेशन मिल जाएगी कि आपको क्या चीज करती रहनी है, ताकि आप 6 हफ्तों के बाद भी उसे कंटिन्यूसली करते रहे और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ता जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि 1 हफ्ते में आपका 3 से 4 किलो वजन बढ़ जाएगा और अगर वो नहीं बढ़ता है तो फिर आप पेशेंस लूज कर जाओगे कि कुछ हो नहीं रहा है, ये प्रोग्राम बकवास है और इस प्रोग्राम से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, वेट गेन करने में बहुत टाइम लगता है जैसे वेट लूज करने में लगता है, तो इसीलिए आपको पेशेंस चाहिए होगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे 1 हफ्ते में, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है।
ग्रेट। सो अगर आपको लगता है कि आप ये चारों चीजें मुझे दे सकते हैं और आप 100% रेडी हैं अपना 100% देने के लिए, तो मुझे या तो कमेंट करें इस वीडियो के नीचे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजें और मैं इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं आपको 100% हेल्प कर सकती हूँ अगर आप अपने आप की हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर से हम जाते हैं अपने सवालों पे। छठा सवाल ये है कि कितने दिनों में वजन बढ़ जाएगा। हम सबकी बॉडी अलग अलग है। अगर मेरी बॉडी में 4 हफ्तों में रिजल्ट शो होने लग जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी में भी 4 वीक्स में रिजल्ट शो होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस सवाल का कोई एक्चुअल जवाब नहीं है। हम सब डिफरेंट हैं और ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने अच्छे से खा रहे हो, कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वजन कितनी जल्दी से या कितनी स्लोली बढ़ेगा। और इस चीज को प्लीज ध्यान में रखो कि अभी अगर आप कम खाना खा रहे हो तो आप एकदम से उसका डबल खाना नहीं खाना शुरू कर दोगे। आपको कम से कम 4 से 5 हफ्ते या 6 हफ्ते तो सिर्फ अपना खाने की कैपेसिटी को बढ़ाने में लगेंगे, क्योंकि आपको अपना एपेटाइट धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में या 2 दिन में आप 1000 से सीधा 3000 कैलोरीज नहीं खा सकते। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि अपनी डाइट में 100 से 200 कैलोरीज धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो। जैसे जैसे आपका एपेटाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कैलोरीज और बढ़ाते रहोगे। इसी तरह से वेट्स में भी, अगर आप आज 2 किलो का डंबल उठाते हो किसी एक्सरसाइज करने में, तो धीरे धीरे उसे 2.5 का करो, धीरे धीरे उसको 3 का करो, और इसी तरह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, आप में थिकनेस भी आएगी, आपका वजन भी बढ़ेगा। अब इसी सवाल से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, जो कि है कि ज्यादा खाना कैसे खाएं। अब इस सवाल पे मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है यहाँ, जिसमें मैं 11 तरीके शेयर कर रही हूँ कि आप धीरे धीरे अपनी एपेटाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, कहाँ चेंजेस ला सकते हैं ताकि आप अपनी कैलोरीज बढ़ा सकें। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन कुछ एक तरीके मैं इस वीडियो में भी शेयर करना चाहूंगी, जो कि है आप अपने लंच में और डिनर में आधी आधी रोटी बढ़ाएं। अगर आप लंच में राइस खाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी राइस की बढ़ाएं। शाम को अगर आप चाय के साथ बिस्किट खाते हैं तो उसको कैंसिल करके आप वहां पे एक केला या एक एप्पल खाएं पीनट बटर के साथ, या फिर आप एक वहां पे बनाना स्मूदी पिएं, या फिर आप एक नट्स का बोल ले लें उसमें किशमिश डाल के वो आप मंच करें। बिस्किट से कुछ नहीं होगा। अपनी कैलोरीज जो है स्नैक्स की उन्हें डेंस करो ताकि वो आपको वेट गेन में हेल्प करे। अगर आप एग्स खाते हो तो एटलीस्ट 2 बॉइल्ड एग हर रोज खाएं। ये कुछ तरीके हैं कि आप कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी कैलोरीज बढ़ सके और आप धीरे धीरे रिजल्ट्स देखना शुरू करें। अब इसी सवाल से जुड़ा है मेरा अगला सवाल, मतलब 8वां सवाल, जो कि है कि जो वर्किंग वुमेन है या जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा कैसे खाएं, क्योंकि ज्यादातर ऑफिसेज में आप सारे दिन मंच नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, टीचर्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप क्लास में बैठ के कुछ खा सकें। तो उन लोगों के लिए कौन से तरीके बेस्ट हैं कि वो अपनी कैलोरीज भी कंज्यूम कर लें और टीचर्स को या आपके बॉस को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखो, हम सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। हम सबके पास नौकरियां हैं करने के लिए, फैमिलीज हैं जिनकी हमें देखभाल करनी है, हमें खाना बनाना होता है, हमें स्कूल जाना होता है, हमें घर आके पढ़ाई करनी होती है। ये सब कुछ हर किसी की लाइफ में है। तो आप ज्यादा बिजी हो या मैं कम बिजी हूँ, ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे यही आता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो। क्या आप एक दिन में अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? क्या आप अपने लिए कुछ वेट्स खरीद के 30 से 45 मिनट एक दिन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते? ये सवाल आपको पूछना है अपने आप से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो बिजी हो, फैमिली है, ये है, वो है, बच्चे हैं, ये सब है बहाने। सबकी लाइफ में सब कुछ है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हो, और अगर आप मुझसे ज्यादा कर रहे हो तो आई एम श्योर मैं भी जितना अभी कर रही हूँ उससे ज्यादा कर सकती हूँ। इसीलिए हम जैसी बिजी वुमेन के लिए सबसे बेस्ट है लिक्विड कैलोरीज। तो अगर आप ऑफिस में या स्कूल में खा नहीं सकते तो आप अपने साथ मॉर्निंग में बनाना स्मूदी पैक करके लेके जाइए, जिसकी रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर की है। आप ये बनाना स्मूदी पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं। आई एम श्योर इससे ना आपके बॉस को कोई प्रॉब्लम होगी ना आपके टीचर को, क्योंकि आप सिर्फ पी रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। और ऐसा करने से आपको दिन भर में जो स्नैक से जो कैलोरीज चाहिए थी वो ये स्मूदी पी के आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो करेंगे ही। अगला सवाल ये है कि क्या आप बेली फैट लूज कर सकते हो लेकिन किसी और बॉडी पार्ट में मसल बिल्ड कर सकते हो? और इस पे मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकते हो। देखो, वेट लॉस करने के लिए आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपके पूरे बॉडी का फैट कम हो सके, क्योंकि जो आपके पेट पे होता है वो सारा फैट होता है। लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए आप इंडिविजुअल मसल्स को, जैसे बाइसेप्स हो गया, लेग्स की मसल्स होगी, बैक की मसल्स होगी, उन्हें आप ट्रेन कर सकते हो ताकि आप वहां पे मसल मास बिल्ड कर सको। तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। अब है हमारा आखिरी सवाल, जो कि ये है
कि एक बिगिनर मतलब जिसने आज तक पहले कभी वर्कआउट नहीं किया वो कहाँ से शुरू करे। वेल, मुझे पता है कि आप इतने सारे वीडियोस देखते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए और कौन सी चीज कितनी बार करनी चाहिए जिससे कि हमें वेट गेन हो। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिगिनर्स को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए एक हफ्ते में वो बताऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। बेसिकली बिगिनर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप 4 से 5 कंपाउंड एक्सरसाइजेस चूज कर सकते हैं जिन्हें आप 3 से 4 हफ्तों तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं जिससे आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़े, आपको टेक्निक समझ में आए और फिर धीरे धीरे आप वहां से डिफरेंट एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हो या फिर डंबल्स का वेट बढ़ा सकते हो। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी अपने अगले वीडियो में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में जरूर पूछें और मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।